तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। आज से करीबन एक साल पहले 9 सितंबर 2022 को ब्रह्मास्त्र नाम की मूवी हमें दी गई थी और इसके सेकंड पार्ट के लिए अब जोरों शोरों से गुत्थम गुत्था चल रही है। देखो, जब ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी तब ढेर सारे बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, कंपैरिजन सेट करे जा रहे थे, क्योंकि टीज़र देखकर एक बार पोस्टर देखकर लग भी रहा था कि चलो ठीक है। जब उसके बजट को रिवील करा गया, 410 करोड़ के टोटल बजट पर ब्रह्मास्त्र मूवी को कंप्लीट कराया गया था, जिसका टोटल कलेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो 431 करोड़ का रहा है। तो मूवी ये नहीं कि फ्लॉप कहेंगे हम, ठीक है, कमा के अपना बजट रिकवरी कर लाई, लेकिन ब्लॉकबस्टर हिट नहीं कह पाएंगे इस मूवी को। लेकिन कलेक्शन अच्छा रहा, पब्लिक की तरफ से ठीक ठाक रेस्पॉन्स देखने को भी मिला। बात यह है कि मूवी के कंपैरिजन सेट करे जाने लग गए थे मार्वल से कि भाई साहब अब जो है इंडिया में सुपर हीरोज़ मूवी बनने वाली है, और बिल्कुल उसका थीम वैसा ही था। लेकिन ऐसा है कि इंडियन कल्चर से ये सब इंडिया की संस्कृति को देख के, एक मैथोलॉजी को देख करके ये सब सेट करा गया था, और वर्चुअल इफेक्ट में मैं कहूँगा, मतलब VFX एंड CGI का बड़ा अच्छा रोल प्ले करके इसको एक अच्छे तरीके से सेट करने की कोशिश करी थी। बिल्कुल VFX की दुनिया में मैं कहूँगा कि यस, ये शुरुआत अच्छी करी इन्होंने, अच्छा करा था, अपने हिसाब से जितना काम था अच्छा किया था। और उसके बाद भी अगर गलतियाँ निकली, क्रिटिक्स आए, बहुत सारी लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, तो उस चीज़ को डायरेक्टर ने एक्सेप्ट भी किया। कहीं ना कहीं ये मूवी मार खाई है स्क्रिप्टिंग पे, उसकी डायलॉग बाजी पर, क्योंकि डायलॉग बाजी भी इतनी दमदार नहीं थी, डिलीवरी इतनी सॉलिड नहीं थी। लेकिन हाँ, रणवीर कपूर ने मैं कहूँगा एक बार के लिए फाड़ गया, खा गया ये बंदा। लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट हॉलीवुड से ये लोग सीख सकते थे, तो वहाँ से आई डोंट नो, जितना जिनका पोटेंशियल होता है, कैपेसिटी होता है, उसके बेस पर तो बहुत ही अच्छा काम किया था। एक बार के लिए देखें तो ब्रह्मास्त्र को ऐसे डिज़ास्टर भी नहीं कहेंगे, इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि अयान मुखर्जी, इस बंदे ने, जो डायरेक्टर है, इस बंदे ने अपनी कहीं ना कहीं गलती मानी थी, और अब वो सेकेंड पार्ट में इसको सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मूवी पिटी गई थी स्क्रिप्टिंग पे, डायलॉग बाजी पर, तो उस चीज़ को देखकर अभी क्या कहते हैं, कल या फिर परसों में ये न्यूज़ रिवील करी गई थी, रणबीर कपूर के पेज से ये न्यूज़ रिवील करी गई थी कि ब्रह्मास्त्र 2 की स्क्रिप्ट पूरी सेट हो चुकी है और उन्होंने पढ़ ली है और दमदार है, और स्क्रिप्टिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दे रखा है इस बार, क्योंकि पिछली बार इतना अच्छा काम स्क्रिप्टिंग पे नहीं लगा था। लेकिन सबसे मेन फोकस ज़्यादा इसी पे ही किया जा रहा है, और मूवी 2026 में ये हमको मिलने वाली है, ब्रह्मास्त्र 2 वो इसलिए भी मिलने वाली है, इससे पहले भी मिल जाती, लेकिन जो अयान मुखर्जी हैं वो वॉर 2 मूवी अभी शूट कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, वो मूवी 2025 में रिलीज करी जाएगी वॉर 2। तो 2024 में पूरा काम वॉर 2 पर होने वाला है, वो वहाँ बिजी रहेंगे, जैसे ही उसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी ब्रह्मास्त्र 2 पर काम शुरू हो जाएगा। और बात जब स्क्रिप्टिंग की चली रही है, तो एक आध कहानी का हमें सोर्स ये पता लग गया था, करीबन 1.5 से 2 महीने पहले अयान मुखर्जी ने ही 3 मोशन पोस्टर रिवील करे थे, जिसमें मतलब जो 3 मोशन पोस्टर रिलीज करे गए थे, जिसमें जल और अग्नि एक साथ हैं, मतलब अग्नि अस्त्र के पावरफुल बंदे जो देव हैं वो, और जिनका अभी कुछ खास खुलासा हुआ नहीं है कि उस रोल में कौन फिट होने वाले हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं ऋतिक रोशन हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं KGF के यश हैं, और बहुत से लोगों का दावा ठोकना है कि रणवीर सिंह हैं। लेकिन जलास्त्र के लिए क्लीन चिट मिल गई है दीपिका पादुकोण को, जो अमृता के नाम से रोल प्ले करेंगी, जो जलास्त्र की पावरफुल हीरो रहेंगे। तो भाई वो एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था। दूसरा मोशन पोस्टर ये था कि देव जो है एक डीमन, जाइंट डीमन से लड़ने के लिए जा रहा है घोड़े पर सवार होके, तो ये चीज़ क्या कहते हैं रिवील करी गई थी। तो यस, ब्रह्मास्त्र 2 के लिए अयान मुखर्जी काफ़ी सीरियस हैं, और जो पिछली गलती उनसे हुई है उन पे ये काम करने के लिए पूरा बिल्कुल डेडिकेटेड है। अपनी गलती को उन्होंने माना है कि यस ठीक है, थोड़ा सा हमें वहाँ पर कमी निकल गई थी, तो इस बार वो कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्क्रिप्टिंग में पहले ही देखो, अभी वॉर 2 की मूवी की वजह से पूरा एक साल का गैप मिलने वाला है, उसके बावजूद भी आप देखो कि 2 साल पहले ही स्क्रिप्टिंग तैयार हो चुकी है। इट मीन्स ये कि काफ़ी सीरियस हैं ये लोग अपने सेकेंड पार्ट के लिए। जो गलती उन्होंने वहाँ करी, जो ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन वहाँ कर रहे थे कि ये मूवी फाड़ने वाली औसम, फाड़ के गई, लेकिन वही चीज़ की जिस हिसाब का बजट था, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस बजट के हिसाब से वो मूवी कलेक्शन नहीं कर पाए, दैट्स वाई कि वो मूवी इतना नहीं चल पाई थी। VFX के मामले में और CGI के मामले में ये लोग वहाँ से बहुत कुछ सुधार करने वाले हैं। देखा जाए तो टीजर में, अगर जब ब्रह्मास्त्र का टीजर आया था, भाई साहब फाड़ आया था, पहली बार देखने को लग रहा था मज़ा आएगा, लेकिन जब ट्रेलर आया तो वही चीज़ उसकी औकात हमें थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गई थी। सेम गणपत की तरह इन्होंने किया, गणपत का टीज़र बहुत फाड़ा था, जब उन्होंने ट्रेलर निकाला तो उनकी औकात हमें पता चल गई, और जब मूवी आई तो भाई साहब महारद्दी मूवी, ऐसी रद्दी कहीं देखी भी नहीं होगी, ये मूवी है गणपत।
लेकिन मैं गणपत और ब्रह्मास्त्र का कंपैरिजन नहीं करूँगा, ब्रह्मास्त्र कहीं गुना इससे ज़्यादा अच्छी है गणपत से। ब्रह्मास्त्र बहुत ही अच्छी मूवी थी, गणपत के मुकाबले की बात चल रही है। वेट करते हैं सेकंड पार्ट का, और भी क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। बाकी अयान मुखर्जी वाकई में सीरियस हैं ये बंदे इस बार, और स्क्रिप्टिंग मैं कह रहा हूँ फिर सेलेक्टेड हो चुकी है, 2025 के आसपास यहाँ काम शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे ही वॉर 2 की शूटिंग खत्म होगी ब्रह्मास्त्र 2 के लिए काम शुरू हो जाएगा, और ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो जाएगा, और हमें 2026 में ब्रह्मास्त्र देखने को मिल जाएगी, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कि ब्रह्मास्त्र 2 में मेन लीड रोल पर देव का कैरेक्टर कौन कर सकता है, रणवीर सिंह, KGF 2 के हीरो अपने यश, या फिर ऋतिक रोशन? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।